रतलाम जिले के बिलपाक थाना क्षेत्र में एक कार ने अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाने से एक नवविवाहित जोड़े सहित दो रिश्तेदारों की दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य महिला गंभीर घायल है, जिनका उपचार जारी है। रतलाम पुलिस ने मोबाइल में फोटो के माध्यम से शवों की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। पूरी जानकारी के अनुसार मृतक और घायल राजस्थान निवासी है, जो वर्तमान में धार जिले के खलघाट में रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविराज सिंह राठौर की शादी विगत 2 फरवरी को ही रेणु कुंवर से जोबनेर मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान के साथ हुई थी। शादी के 12 दिनों बाद ही कार में सवार होकर नवविवाहित दंपति सहित रिश्तेदार राजस्थान जा रहे थे। इस दौरान बिलपक थाना के पास जामुनिया फाटे के नज़दीक सुबह 10 बजे कार नंबर MP39C0957 असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी खा गई। कार चालक रविराज, उनकी पत्नी रेणु कुंवर सहित 2 भुआएं भंवर कुंवर पति सज्जन सिंह शेखावत उम्र 48 वर्ष एवं रेणु कुंवर पति राजवीर सिंह शेखावत उम्र 45 साल की भी मौत हो गई। वहीं कार चालक रविराज सिंह की माँ विनोद कुंवर पति मनोहर सिंह 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला चिकित्सालय रतलाम में ही उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना की जानकारी बिलपाक थाना SI महेश शुक्ला ने दी है। महू नीमच रोड पर कार क्रमांक है MP39C0957। मैं उसके परिवार के कुछ 4 महिलाएं और एक ड्राइवर चला के आ रहा था। ड्राइवर में उसमें टकरा गई है, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक महिला घायल अस्पताल में मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे खलघाट धर्मपुरी का एक मोबाइल में बात चल रही है, आप आने पर मालूम पड़ेगा मूलता कहाँ। ऐसा लगता है ड्राइवर को नींद आ गई, क्योंकि ड्राइवर को नींद आ गई है। रात का जगा हुआ था, शादी से आ रहे थे, सभी शादी का सामान भी उनके पास भी है। तो ऐसा घटनास्थल को देखते हुए लगता है कि ड्राइवर को नींद आने से वो ड्राइवर उसमें टकरा गया है और इस कारण गंभीर घटना हुई। मौके पर डेथ हो गई सभी? हाँ, मौके पर 4 की डेथ हो गई। एक महिला घायल है जो भर्ती अस्पताल में, अभी वो बोल नहीं पा रही है। और परिवार वालों के आने पर सूचना दे दी है, उनके नाम पते मालूम पड़ जाएंगे क्लियर।